गदर 2 ने केवल एक हफ्ते में वो कारनामा कर दिखाया जो बड़ी से बड़ी बॉलीवुड फिल्म सपने में भी नहीं सोच सकती। 11 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई और तब से ही हर रोज कमाई का एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। सनी देओल और अमीषा पटेल ने बड़े पर्दे पर ऐसा जादू बिखेरा जिसने हिंदी के साथ साथ साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पछाड़ दिया। अनिल शर्मा जब अपनी क्लासिक मूवी गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बना रहे थे तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 22 साल बाद फिर वही मैजिक बॉक्स ऑफिस पर भी रिक्रिएट हो जाएगा। 40 करोड़ के साथ गदर 2 साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनकर सामने आई। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए फिल्म ने नए नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। अब फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसके सामने दूर दूर तक कोई हिंदी फिल्म नजर नहीं आ रही। गदर 2 ने रिलीज के लगातार 6 दिनों तक हर दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ये अपने आप में ही एक बड़ी कामयाबी है। उसने पठान को भी पटखनी दे दी जो छठे दिन 25.5 करोड़ रुपए पर ही सिमट कर रह गई। अगर हिंदी की बात करें तो गदर 2 ने साउथ की बड़ी फिल्मों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। KGF 2 केवल 4 दिनों तक ही 30 करोड़ से ज्यादा कमा पाई और फिर पांचवे दिन हिंदी में 25.57 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं बाहुबली 2 भी पीछे रह गई है जिसने छठे दिन हिंदी में 26 करोड़ की कमाई की। ऐसे में साबित हो गया है कि गदर 2 किस कदर लोगों का दिल जीत रही है। सनी देओल की गदर 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म रिलीज होते ही छा गई है, भारी संख्या में लोग फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। तारा सिंह और सकीना की आगे की कहानी गदर 2 में दिखाई जा रही है जो लोगों का दिल जीतने में कामयाब है। फिल्म की पहले दिन ही ग्रैंड ओपनिंग हुई। फिल्म को लोगों का धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। गदर 2 की रिलीज ने सनी देओल की जिंदगी में काफी बदलाव किए हैं। देओल परिवार अब पहले से भी ज्यादा करीब आ गया है। सनी देओल की बहनें ईशा और अहाना भाई सनी और बॉबी के करीब आ गई हैं। 2 दिनों पहले ही सनी देओल ने फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी। इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा सनी देओल के परिवार के लोग पहुंचे थे। इसमें बहनें ईशा और अहाना मौजूद नहीं थीं, लेकिन अब बहन ईशा देओल ने भाई को सरप्राइज दिया है। ईशा देओल ने सनी देओल की फिल्म गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग की। इस मौके पर सनी देओल, बॉबी देओल और अहाना देओल नजर आए। 40 सालों में ऐसा पहली बार देखा गया जब सनी देओल के लिए बहनों ने कुछ स्पेशल किया हो। सनी देओल को बहनों का यह सरप्राइज काफी पसंद आया होगा। बीते कुछ दिनों से ईशा कई ऐसे पोस्ट कर रही हैं जिससे साफ हो रहा है कि उनके और सनी देओल के परिवार के बीच जरा भी दूरियां नहीं है। भाई सनी के लिए बहन ईशा का प्यार लोगों को पसंद आ रहा है। बीते दिनों सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में ईशा देओल नहीं पहुंची थी जिसको लेकर काफी सवाल भी उठे थे, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही ईशा ने करण और दृश्या को शादी की बधाई दी। इसके बाद वो सनी देओल की फिल्म का ट्रेलर पोस्ट करके सोशल मीडिया पर गदर 2 प्रमोट करती नजर आई थी। इतना ही नहीं, फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले ही वो सनी देओल की फिल्म गदर 2 के लिए सोशल मीडिया पर चीयर कर रही थी। इससे पहले सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा और अहाना एक साथ नजर नहीं आए हैं। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब चारों को एक साथ वक्त बिताते देखा गया। धर्मेंद्र की फैमिली का बॉन्ड पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता देखकर लोग काफी खुश हैं। वहीं गदर 2 की बात करें तो फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म हाउसफुल चल रही है। ताबड़तोड़ कमाई करके फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। गदर 2 इस साल की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी रिलीज बन गई है। पहले दिन फिल्म ने 40 करोड़ की कमाई की थी। कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा लिखकर सनी देओल को बधाई दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।